सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज सीबीएसई क्लास टेंथ व्याकरण का वाच्य पढ़ाया जाएगा। वाच्य वाच्य क्या है भाई? वाच्य बात को कहने का एक ढंग है। हम जो भी बातचीत करते हैं, बातचीत करते समय हम जो तरीका अपनाते हैं वह तरीका ही वाच्य कहलाता है। विद्वानों ने परिभाषा दी है कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया का के विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्तृवाच्य की क्रिया सदैव ही कर्ता के अधीन होती है। कर्तृवाच्य में जो भी क्रिया हो रही होती है वह क्रिया हमेशा कर्तृवाच्य के कर्ता के अधीन होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, प्रस्तुत वाक्य में पढ़ने की क्रिया कर्ता के अधीन है, अर्थात जो क्रिया हो रही है उसको केवल कर्ता ही, केवल राम ही कर सकता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जब कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में गौण हो जाता है, अर्थात उसकी प्रमुखता खत्म हो जाती है और करण कारक में लिखा जाता है। कर्ता कर्तृवाच्य का कर्ता राम कर्मवाच्य में गौण होकर करण कारक में लिखा जाता है। और क्रिया में यक प्रत्यय जोड़कर क्रिया का रूप बदल दिया जाता है। अगेन कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। जब कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना होता है तो कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में गौण हो जाता है और करण कारक में लिखा जाता है और कर्तृवाच्य के क्रिया में यक प्रत्यय जोड़कर क्रिया का रूप बदल दिया जाता है।
यदि आपने कारक पढ़ा है तो कर्तृवाच्य का कर्ता कर्म कारवाच्य में राम के द्वारा से के द्वारा करण कारक का चिन्ह है। कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में गौण होकर करण कारक में लिखा जाता है। पुस्तक जो कर्तृवाच्य में कर्म होता है वह यहां कर्मवाच्य में प्रधान हो जाता है। क्रिया में यक प्रत्यय जोड़कर क्रिया का रूप बदल दिया जाता है और लिखते हैं पढ़ी जाती है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य भाव प्रधान होता है। भाववाच्य की सभी क्रियाएं अकर्मक होती है, इसलिए इसमें भाव प्रधान होता है। केवल क्रिया का भाव, जिस क्रिया का केवल भाव होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सोना, जागना, मरना, जीना, बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जो अकर्मक क्रिया के रूप में गिनी जाती हैं। अर्थात उनके केवल भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, कुछ होते हुए दिखता नहीं है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। वाक्य को बदलते समय कर्तृवाच्य के वाक्य ही केवल भाववाच्य में बदले जाते हैं, कर्मवाच्य के वाक्य भाववाच्य में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। भाववाच्य में भी कर्ता गौण होकर के करण कारक में लिखा जाता है और कर्मवाच्य की तरह ही क्रिया में यक प्रत्यय जोड़कर क्रिया का रूप बदल दिया जाता है। जैसे राम सोता है, यह एक कर्तृवाच्य वाक्य है क्योंकि सोने की क्रिया राम के द्वारा हो रही है, अर्थात क्रिया राम के कर्ता के अधीन है। यदि इस कर्तृवाच्य वाक्य को हम भाववाच्य में बदलें तो कर्मवाच्य के अनुसार ही कर्ता गौण हो जाता है और करण कारक में लिखा जाता है और क्रिया में यक प्रत्यय जोड़कर उसके रूप को परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे राम के द्वारा सोया जाता है, फिर से देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया हमेशा कर्ता के अधीन होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में गौण होकर के करण कारक में लिखा जाता है और क्रिया में यक प्रत्यय जोड़ करके उसके रूप को परिवर्तित कर लिया जाता है। भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, अर्थात सभी क्रियाएं अकर्मक होती हैं। भाववाच्य में भी
कर्ता गौण हो जाता है और करण कारक में लिखा जाता है और क्रिया में यक प्रत्यय जोड़ करके उसके रूप को बदल दिया जाता है। वीडियो को ध्यान से देख और समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।